अच्छा जी, नाउ दिस स्टोरी इज फॉर द पीपल हु आर फेसिंग डैंड्रफ इशू. अब जब डैंड्रफ इशू होता है ना आपकी स्कैल्प के अंदर, सबसे पहले तो जब भी आपको इचिंग होती है, उसके बाद जब भी आप इचिंग करते हो तो आप देखते हो कि यार उसमें वाइट कलर का कुछ आपके बालों में निकल आता है, आपके नेल्स में फंसना स्टार्ट हो जाता है. डैंड्रफ की वजह से आपकी स्कैल्प में से स्मेल आती है, आपको रोज शॉवर लेना पड़ता है. रोज शॉवर लेते हो क्योंकि स्मेल हो रही होती है, पसीना आता है, और अगर आप रोज शॉवर लेते हैं तो बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं. डैंड्रफ कंट्रोल ही नहीं होता, ऑयलिंग कर लो जो मर्जी कर लो, मतलब डैंड्रफ के बड़े प्रॉब्लम्स है. और सबसे ज्यादा वो जो एड्स में दिखा रहे होते हैं आपके शोल्डर के ऊपर नजर आ रहा होता है, तो ऑल दैट थिंग्स जो कि आपको मल्टीपल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर इट. जेनफार्म का ये जो है ना एक शैम्पू है, दिस इज अ मेडिकेटेड शैम्पू. और नॉर्मली जितने भी डैंड्रफ से रिलेटेड शैम्पूज होते हैं ना, वो आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जो अल्टीमेटली इचिंग कॉज करना स्टार्ट कर देता है. तो ये आपकी स्कैल्प को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, इनफैक्ट ये आपकी स्कैल्प को नरिश करेगा. इट कंटेन्स सैलिसिलिक एसिड.